हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण चंदा फिर से आ गया हूँ कार जेडी की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम आए ह्यूंडई के सनराइज शोरूम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ह्यूंडई अल्काज़ार की लॉन्चिंग है, तो हमें इन्विटेशन आया ह्यूंडई अल्काज़ार की लॉन्चिंग के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूंडई अल्काज़ार के बारे में, देखेंगे कि कैसे इसके लुक्स है, क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या क्या प्रीमियम फीचर ह्यूंडई इसमें प्रोवाइड करती है। सब कुछ जानेंगे इन डेप्थ, कंप्लीट डिटेल रिव्यू देंगे आपको ह्यूंडई अल्काज़ार के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं शोरूम के अंदर, लेट्स गो। तो दोस्तों, ये है ह्यूंडई अल्काज़ार, जिसके एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो 16.30 लाख से ये गाड़ी शुरू होते हैं एंड इसके टॉप वेरिएंट के एक्सशोरूम प्राइस जाते हैं 20 लाख तक। एंड टोटल इस गाड़ी में आपको 8 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज ऑप्शनल, प्लैटिनम, प्लैटिनम ऑप्शनल, सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑप्शनल, सिग्नेचर डुअल टोन एंड सिग्नेचर ऑप्शनल डुअल टोन। ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं, ये है सिग्नेचर ऑप्शनल वेरियंट। इसका टॉपेस वेरिएंट, यह आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों में अवेलेबल है ये गाड़ी। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज 2 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जो प्रोड्यूस करता है 159 पीएस की पावर एंड 191 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको ह्यूंडई की इलेंट्रा और ह्यूंडई की टक्सन दोनों में देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड वन इज इसका डीजल इंजन ऑप्शन, जो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो आपको क्रेटा में भी देखने को मिलता है और वो प्रोड्यूस करता है 115 पीएस की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। एंड इस गाड़ी में आपको टोटल 3 ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट्स। साथ ही साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल में आपको स्नो, सैंड और मड का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये गाड़ी डायरेक्टली कंपीट करती है MG Hector Plus, महिंद्रा की XUV 500 जो अभी फिलहाल मार्केट में है, टाटा की सफारी, कमिंग महिंद्रा की XUV 700 को भी। चलिए अब जानते हैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में एंड एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर एक्सटीरियर को। तो दोस्तों, कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं आपको ह्यूंडई अल्काज़ार फ्रंट से। फ्रंट में देखने में काफी बढ़िया लग रही है, देख सकते हैं इसकी जो ग्रिल है कितनी बढ़िया लग रही है देखने में एज कम्पेयर टू ह्यूंडई क्रेटा। मेरे को ह्यूंडई अल्काज़ार की पर्सनली ये ग्रिल ज्यादा बढ़िया लगी देखने में, जिसके अंदर देख सकते हैं आप क्रोम का काफी वर्क किया गया है एंड बीचों बीच आपको देखने को मिलता है ह्यूंडई का लोगो एंड पूरी ग्रिल की आउटलाइनिंग भी आपको क्रोम में देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसके ट्रायो LED हेडलैम्प, जो आपको ह्यूंडई क्रेटा में भी देखने को मिलते हैं विद DRLs। एंड उसी के नीचे मिलते हैं आपको फॉग लैंप्स। फ्रंट बम्पर मिलता है आपको बॉडी कलर में एंड नीचे आपको देखने को मिलती है ब्लैक कलर की स्किड प्लेट। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसके 2 वाइपर विद 2 वॉशर्स। तो दोस्तों, ये था इसकी कंप्लीट फ्रंट लुक। अब चलते हैं साइड में, साइड में चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके साइड लुक्स को। तो दोस्तों, कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं आपको ये साइड से। साइड में देखने में काफ़ी बड़ी लग रही है ये गाड़ी, काफ़ी चौड़ी चौड़ी लग रही है देख सकते हैं आप। साइड में जो आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करेगी वो चीज़ है इसके अलॉय व्हील्स, इसके मशीन कट अलॉय व्हील्स डुअल टोन में देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। अलॉय व्हील्स के ऊपर ही आपको देखने को मिलती है ब्लैक कलर की ग्लाइडिंग एंड यहाँ पे आपको मिलती है ऑटो की बैजिंग। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पे आपको ऑटो की बैजिंग मिलती है। एंड बॉडी कलर मिलता है आपको इसका ORVM विद इंटीग्रेटेड टर्निंग इंडिकेटर। उसी के नीचे आपको देखने को मिलता है पडल लैंप्स। ये न्यू फीचर प्रोवाइड किया है ह्यूंडई ने इस गाड़ी के अंदर। एंड डोर हैंडल्स आपको देखने को मिलते हैं क्रोम फिनिशिंग में विद रिक्वेस्ट सेंसिंग फीचर इन ड्राइविंग साइड डोर। नीचे आपको देखने को मिलते हैं डोर स्टेप, कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं ये आपको साइड से। इसके तीनों पिलर आपको ब्लैक में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट इसका साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं रेयर में, रेयर में चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल को। कुछ ऐसी देखने को मिलती है आपको ये गाड़ी रेयर से।
रेयर में आपको बीचों बीच देखने को मिलती है अल्काज़ार की बैजिंग क्रोम प्लेट में, जैसे आपको क्रेटा में देखने को मिलती है क्रेटा की बैजिंग, एंड उसी के ऊपर मिलता है आपको ह्युंडई का लोगो। ऊपर आपको देखने को मिलते हैं डीफोगर्स एंड रेयर वाइपर। इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप का फीचर देखने को मिल जाता है, एंड कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं इसके रेयर टेल लैंप्स। नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं रिफ्लेक्टर, डुअल एग्जॉस्ट मिलते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सिग्नेचर की बैजिंग। ये सिग्नेचर वेरियंट है, इसलिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर की बैजिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था कम्प्लीट इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल। अब चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर में चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर प्रोफाइल को। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका ड्राइविंग साइड डोर डुअल टोन में ब्लैक एंड ब्राउन। क्रेटा में भी आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है, बट उसमें ब्लैक एंड पीच कलर देखने में मिलता है। बट इसके डोर में एक चीज बता दूं मैं आपको, ये जो ब्राउन एरिया है ना, ये प्योर लेदर में है। क्रेटा में आपको प्लास्टिक में मिलता है, बट इसमें आपको लेदर में मिलता है। एंड यहाँ पे डोर में आपको मिलते हैं अपने सारे ओआरवीएम से रिलेटेड कंट्रोल्स, साथ ही साथ चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लेदर फिनिशिंग में। नीचे आपको मिलता है 1 लीटर के 2 बोटल स्पेस विद मैक पॉकेट, एंड यहाँ पे आपको मिलता है बोस के स्पीकर विद बोस की बैजिंग। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका इंटीरियर डुअल टोन में ब्लैक एंड ब्राउन। इसकी जो फ्रंट में 2 सीट्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे देख सकते हैं आप इसे अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, जो आपको क्रेटा के टॉप वेरियंट में भी देखने को मिलता है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका डी शेप स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप में, जिसमें आपको अपने इंफोटेनमेंट से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड आपको देखने को मिलते हैं सारे अपने क्रूज कंट्रोल्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स। पीछे आपको मिलते हैं इसके पैडल शिफ्टर, जैसे आपको क्रेटा के ऑटोमेटिक वेरियंट में देखने को मिलते हैं, सेम आपको इसमें भी देखने को मिलते हैं। एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो 10.25 इंचेस की डिजिटल स्क्रीन में देखने को मिलता है, जो कि क्रेटा से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल न्यू चीज प्रोवाइड किया है ह्युंडई ने ये इसके अंदर, जो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, जिसके अंदर आपको अपने फ्यूल इकोनॉमी कंजप्शन वगैरह सब कुछ शो करते हैं, टायर प्रेशर मोनिटाइजेशन वगैरह सब। एंड कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसी के नीचे आपको मिलते हैं उसके रिलेटेड कंट्रोल्स, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी विद ब्लू लिंक कार कनेक्टिविटी सपोर्ट, एंड उसी के नीचे आपको देखने को मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बीच में हजार लाइट बटन, एंड नीचे आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग का फीचर, एंड यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक गियर नोब, उसी के साथ साथ आपको ड्राइविंग मोड्स एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे अपने वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर, यहाँ से आप अपने वेंटिलेटेड सीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट पे देखने को मिलता है एयर प्यूरीफायर, जैसे आपको क्रेटा में भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑटोमेटिक IRVM, सनग्लास होल्डर, 2 LED लाइट इन फ्रंट। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको देखने को मिलता है टिकट होल्डर, एंड को पैसेंजर सनवाइजर में आपको देखने को मिलता है वैनिटी मिरर विदाउट लाइट। फ्रंट की 2 LEDs लाइट के बीच में आपको देखने को मिलता है पैनारोमिक सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए बटन, यहाँ से आप अपनी पैनारोमिक सनरूफ को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं कुछ ऐसे। इसमें भी आपको क्रेटा के जैसे पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलती है, बट इसकी पैनारोमिक सनरूफ एज कम्पेयर टू क्रेटा बड़ी देखने को मिलती है, बिकॉज इसका साइज इंक्रीज किया गया है, इसलिए इसमें पैनारोमिक सनरूफ भी बड़ी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू क्रेटा। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका डुअल टोन डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको मिलता है ग्लोव बॉक्स जो कि कूल्ड है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इसका फ्रंट रो इंटीरियर। अब चलते हैं रेयर में, रेयर में चल के मिड रो देखते हैं। पहले इसकी मिड रो डोर में आपको मिलता है सिल्वर फिनिशिंग में डोर ओपनर, नीचे विंडो का कंट्रोल, साथ में ग्रैब हैंडल, एंड यहाँ पे स्पीकर, बोस की बैजिंग। नीचे आपको मिलता है 1 लीटर बोतल स्पेस विद मैक पॉकेट। लेग रूम की बात करूं तो मिड रो में लेग रूम काफी अच्छा दिया गया इन्होंने, काफी कंफर्ट है इसके मिड रो, एंड हेड रूम भी देख सकते हैं आप काफी सही है इसका। एंड कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं आपको इसकी पैनारोमिक सनरूफ रेयर से, यहाँ पे आपको मिलते हैं मिड रो में 2 AC वेंट्स बीचों बीच, साथ में उसी के नीचे चार्जिंग सॉकेट, उसी के साथ फोन रखने का स्पेस। एंड यहाँ पे आपको मिलता है इसका मिड रो में आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, एंड आर्मरेस्ट के यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ मिड रो में आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स। मिड रो में आपको इसकी कैप्टन सीट्स मिलती है 6 सीटर में, अगर आप 7 सीटर के साथ रहेंगे तो उसमें आपको कैप्टन सीट्स नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको मिलता है ग्रैब हैंडल, ग्रैब हैंडल के साथ साथ उसी के नीचे मिलती है LED लाइट सेम दूसरी तरफ।
एंड एक बढ़िया फीचर और दिया गया है इसमें आपको मिड रो में, यहाँ पे आपको लैपटॉप ट्रे भी देखने को मिलेगी। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो में, थर्ड रो में देखते हैं इसका कंफर्ट कैसा है। यहाँ से आप इसकी थर्ड रो में जा सकते हैं, इसकी सीट को लेटा के आगे करके फिर आपको थर्ड रो में जाना है कुछ ऐसे। थर्ड रो में देख सकते हैं लेग स्पेस भी काफ़ी सही दे रखा है, एक अडल्ट बैठे तो काफ़ी सही से बैठ सकता है। यहाँ पे आपको मिलते हैं टू LEDs थर्ड रो में भी, यहाँ पे आपको मिलता है थर्ड रो का AC वेंट, साथ साथ USB सॉकेट, यहाँ से आप अपने AC को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आपको मिलता है टू कप होल्डर्स। इसकी थर्ड रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसकी थर्ड रो में दो अडल्ट सही बैठ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग ट्रिप के लिए एक अडल्ट और एक चाइल्ड साथ में बैठेगा तो काफ़ी कंफर्ट होके बैठ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थर्ड रो भी इसकी काफ़ी कंफर्ट है, बट सेकंड रो मेरे को कैप्टन सीट्स वाली ज़्यादा कंफर्ट लगी इसकी। तो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर रिव्यू ऑफ Hyundai Alcazar जो आपको देखने को मिलेगी अब मार्केट के अंदर। अब चलते हैं बाहर, बाहर चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके बूट स्पेस को, बूट स्पेस को चेकआउट करते हैं कि कितना स्पेस आपको इसके बूट स्पेस में देखने को मिलता है। यहाँ से आप अपना टेलगेट ओपन करके बूट स्पेस देख सकते हैं, 180 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आप अपनी सारी रोज़ वगैरह गिरा के भी अब इसका बूट स्पेस काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिलता है टूल, इसका स्पेयर व्हील आपको नीचे देखने को मिलता है, जैसे आपको सफारी वगैरह में भी देखने को मिलता है, फॉर्च्यूनर हो गया, एंडेवर में जैसे आपको देखने को मिलता है, वैसे ही इसका भी व्हील आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कुछ इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 6 एयरबैग्स, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, साइड एयरबैग्स, तीनों रो में सीट बेल्ट वार्निंग इन फ्रंट, डोर अजर वार्निंग, साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मोनिटाइजेशन, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रेयर कैमरा, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, हिल असिस्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर लॉक, जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। एंड डायमेंशंस की बात करें तो इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 4500 mm की एंड ओवरऑल विड्थ है 1709 mm की एंड ओवरऑल हाइट है इस गाड़ी की 1675 mm की एंड व्हील बेस है इसका 2760 mm का। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर एंड फीचर प्रोफाइल ऑफ Hyundai Alcazar। अभी आपको जल्दी जल्दी में शॉर्ट रिव्यू देखने को मिला है, बहुत जल्द आपको इस गाड़ी का कंप्लीट डिटेल रिव्यू और साथ ही साथ आपको इसके वेरिएंट्स की डिटेल्स भी जल्दी देखने को मिलेगी चैनल पे। अभी के लिए इतना ही, यहीं पे करते हैं इस वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।